गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस पढ़ते समय सबसे पहले बच्चों हमें पहचान होनी चाहिए ट्रांसलेशन करते समय कि ये जो सेंटेंस है जिसे हमें ट्रांसलेट करना है ये किस टेंस में, उसी के आधार पे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले पहचान इसमें रहा था, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, तथा कार्य जारी रहने का समय, कार्य जारी रहने का समय दिया होता। ओके, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। बच्चों इसको बनाते कैसे हैं, बनावट कैसे होती है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लिखते हैं, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है और उसमें आईएनजी लगा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ऑब्जेक्ट के बाद समय के लिए सेंस या फॉर का प्रयोग होता है, निश्चित समय के लिए बच्चों हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय जैसे सुबह से 2 बजे से, 2014 से, ये निश्चित समय। अनिश्चित 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 1 सप्ताह से, कई शताब्दियों से, ये अनिश्चित है। और इनसे पहले, अनिश्चित समय से पहले फार का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमने कहा सीता दो बजे से अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थी। मैंने देखा रही थी, कंटिन्यूअस हो गया, समय दिया हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। तो बच्चों कैसे बनाओगे, सीता हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स, कब से, निश्चित समय है, सिंस
टू ओ क्लॉक, ओके। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया, वे चार बजे से मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, ओके। सब्जेक्ट क्या है? वे। क्या लिखेंगे? दे। हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ हैड बीन आती, दे हैड बीन। क्या कर रहे थे? प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल कहाँ? इन द फील्ड, मैदान में। सिंस आएगा कि फार, चार बजे से, तो सिंस फोर ओ क्लॉक, ओके। आगे तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड, इनको नोट करो बच्चों, को नोट कर लो। मैं 5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं 5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो मैं की बच्चों क्या लिखोगे? आई हैड बीन। आई हैड बीन प्रतीक्षा करना की क्या होती है? वेट। आई एन जी लगाएंगे क्या हो जाएगा? वेटिंग। आई हैड बीन वेटिंग किसकी? यू। सेंस लगेगा बच्चों की फॉर, 5 घंटे से, अनिश्चित समय हो गया तो फॉर लगेगा, फॉर 5 आवर्स, ओके। इसको नोट करते जाइए बच्चों। अगला सेंटेंस, हम हिंदी में लिखे, डायरेक्ट अंग्रेजी लिख रहे थे, हम 3 घंटे से अपने कपड़े धो रहे थे, ओके। तो हम की क्या लिखोगे बच्चों? वी हैड बीन क्या कर रहे थे? वॉशिंग आवर क्लॉथ्स। कब से? 3 घंटे से, अनिश्चित है, क्या आएगा? फॉर 3 आवर्स, ओके। ये आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, ठीक है। अब हम लोग इन्हीं सेंटेंसेस को निगेटिव में बदलेंगे, हेडिंग डालेंगे निगेटिव
सेंटेंसेस, ओके, नकारात्मक वाक्य। सीता 2 बजे से अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थी, इसको निगेटिव करोगे तो सीता 2 बजे से अपनी गुड़ियों के साथ नहीं खेल रही थी। हिंदी ट्रांसलेशन आप करेंगे इसका, इंग्लिश में हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, सीता हैड नॉट, सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स बच्चों, सिंस आएगा या फार आएगा, सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock ओके, सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स सिंस 2 o'clock ओके। इसका मतलब नॉट का प्रयोग आप कहाँ पे करते हैं, निगेटिव सेंटेंसेज में नॉट का प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं नॉट का, नॉट का प्रयोग आप हैड के बाद करते हैं और बीन से पहले करते हैं। वे 4 बजे से मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे थे तो क्या बनाएंगे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, कहाँ, इन द फील्ड, सिंस आएगा कि फार, सिंस, सिंस 4 o'clock ओके। तो ये आपका निगेटिव हो गया। थर्ड सेंटेंस है, मैं 5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो मैं आई हैड बीन क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो नहीं होगा तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा। आई हैड नॉट बीन वेटिंग यू, आई हैड नॉट बीन वेटिंग यू, अब अनिश्चित समय है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर 5 घंटे से तो आवर्स होगा ओके। आई हैड बीन वेटिंग यू फॉर 5 hours, निगेटिव करोगे, आई हैड नॉट बीन वेटिंग यू फॉर 5 hours ओके। लास्ट सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव कैसे बनेगा, हम 3 घंटे से अपने कपड़े नहीं धो रहे थे, तो वी हैड, हैड के बाद नॉट लगा, वी हैड नॉट बीन ओके, वी हैव नॉट बीन वॉशिंग आवर क्लॉथ्स, आवर क्लॉथ्स फॉर 3 hours ओके। ये आपका निगेटिव, आपने निगेटिव सेंटेंस बना लिया।
अब इसका इसको हिंदी में ट्रांसलेट आप करें, इंग्लिश में मैंने कर दिया, हिंदी में इनको ट्रांसलेट करके आप लिखें। ओके, अब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे इन्हीं सेंटेंसेस का, जिससे कि अच्छी तरह से हमें क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। आई शैल नॉट स्कोल्ड यू बट आई शैल ट्राई टू रिमूव द डाउट्स ऑफ योर माइंड। ओके, तो आपको जैसे पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हो? क्या बात है भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हो। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? हैड। हम हैड का प्रयोग करते हैं, तो हैड को यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैड को हम आगे ले आएंगे और सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सेकेंड पहला ही सेंटेंस आप देख लीजिए, सी हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस 2 o'clock। तो आप इसमें हैड को आगे ले गए, हैड सीता, नॉट तो हमें लगाना नहीं है, हैड सीता बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स सिंस 2 o'clock। ओके, और क्वेश्चन मार्क लगे। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव लगाने हैं तो नॉट का प्रयोग आप कर सकते हैं, जहाँ पर है बीन के पहले आप कर देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। हमने केवल इंट्रोगेटिव बनाया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो दूसरा है, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड सिंस 4 o'clock। अब आप हैड को पहले ले जाइए, हैड दे बीन, हैड दे बीन प्लेइंग क्या, फुटबॉल हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड since 4 o'clock। और इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। अब एक इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर बनाना चाहें तो बना लें, तो हैड को आगे ले आइए, हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बना ले सकते हैं, तो नॉट लगा देंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, नॉट नहीं लगाएंगे तो सिंपल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो जैसा आप चाहें करें, हैड आई बीन वेटिंग यू सेंस लगाएगा या फॉर 5 hours had I been waiting you for 5 hours, had I been waiting for you for 5 hours,
लास्ट सेंटेंस है हैड को ऐसे ले आइए आगे हैड वी बीन क्या कर रहे थे वॉशिंग आवर क्लॉथ्स ओके बच्चों क्लास दो तरह से लिखा है एक सी एल ओ टी एच एस और दूसरा लिखते हैं सी एल ओ टी एच ई एस तो बच्चों पता है दोनों में अंतर क्या है ये दोनों क्लास से लिखे हुए एक में ई लगाया और एक में नहीं लगाया नहीं क्लियर कोई बात नहीं ये जो कपड़े हैं बिना सिले बहुत सारे कपड़े जिसमें ई लगा दिया मतलब वर्क हुआ वर्क हुई सिलाई हुई कढ़ाई हुई तो इस तरह से लिखते ओके तो ध्यान रखिएगा तो हैड वी बीन वॉशिंग आवर क्लॉथ्स अनिश्चित समय है तो क्या आएगा फॉर थ्री आवर्स लास्ट में क्वेश्चन तो इस तरह से ये आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी ठीक है सीख लिया आपने कैसे बनाते हैं इसकी एक्सरसाइज आप बुक से करेंगे इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन आई शैल ट्राई टू रिमूव द डाउट्स ऑफ योर माइंड ओके बाय बाय वी शैल मीट नेक्स्ट डे Thank you.